सो हाई गाइज, आई एम दिव्यम एंड वेलकम टू द सीओसी टेक। गाइज, आज के इस वीडियो में आपको दो कंसेप्ट बताऊंगा। वो दोनों कंसेप्ट गाइज बिल्डर बेस के अंडर में आते हैं। तो वो दो कौन से कंसेप्ट है, तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। तो गाइज, ये वीडियो आपको पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। गाइज, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हर दिन एक नई वीडियो अपलोड की जाती है जो 100% रियल होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, मैं आपको सबसे पहला कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, जो कि है हमारा आइस विजार्ड। तो गाइज, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आइस विजार्ड है जो कि हमारे विजार्ड टावर की तरह दिखता है। तो इसे हम आइस विजार्ड टावर भी कह सकते हैं। तो ये गाइज एक इमेज लीक हुई है जो शायद तक हमारे बिल्डर बेस में आइस विजार्ड टावर आ सकता है। तो गाइज, ये वाला अपडेट बहुत ही अच्छा अपडेट आने वाला है। तो गाइज, बहुत मुश्किल से बिल्डर बेस में पहले तो अटैक किया जाता था, पर अब और भी ये मुश्किल होने वाला है क्योंकि आइस विजार्ड टावर भी आने वाला है। तो अब हम चलते हैं दूसरे अपडेट पे। तो हमारा दूसरा अपडेट है कैनन कार्ट, जो कि हीरोज में शामिल होगा। तो आप सोच रहे होंगे कैनन कार्ट हीरोज में कैसे शामिल होगा। तो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैनन कार्ट है जिसे हम एबिलिटी भी दे सकते हैं। जिस तरह से हमारे पास में बैटल मशीन होती है, उस तरह से हमारे पास में ये कैनन कार्ट भी आ सकती है जिसे हम एबिलिटी दे सकते हैं। तो गाइज, ये दोनों ही कंसेप्ट बहुत ही अच्छे कंसेप्ट है और ये शायद तक हमारे बिल्डर बेस में आ सकते हैं। तो गाइज, मैं ये पक्का नहीं कह सकता हूँ कि हमारे बिल्डर बेस में आएंगे या नहीं आएंगे। तो गाइज, अगर आपको और भी बिल्डर बेस से अपडेट रहना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।